Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class, today our topic in general English is another story, A Shadow. तो ये जो आप स्टोरी आज पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है A Shadow. You open your textbooks on page number 101. तो 101 पेज पर पे ये स्टोरी है. There are few characters in the this story. नंबर फर्स्ट इज शंभू. तो इसके साथ साथ है इसकी मदर. तो इस स्टोरी का आगाज भी जो है देयर स्टार्ट्स विद द कन्वर्सेशन विद शंभू एंड हिज मदर. तो ये स्टोरी में ऐसा होता है कि ये जो शंभू होता है, शंभू का बाप जो है ही वाज एन एक्टर. तो उसका इंतकाल हो जाता है. तो जो क्योंकि एक्टर होता है तो एक्टर तो एक दिन इस ये जो ये शहर है, इस शहर में इसकी जो थिएटर है वहां के, तो उस थिएटर में उसकी जो फिल्म है वो लोग चलाने जा रहे हैं. तो इसमें देखते हैं हम शंभू और उसके माँ के दरमियान क्या क्या बातें हो रही है. तो आई विल रीड 1-2 पैराग्राफ्स फॉर यू. तो आप बिल्कुल किताब की तरफ गौर से देखिएगा. Shambhu demanded, "You must give me 4 anas to see the film tomorrow." His mother was horrified. How could this boy? She had been dreading for 6 months past the arrival of the film. How could people bear to see him on the screen when they knew he was no more? She had had a vague hope that the producers might not release the picture out of consideration for her feelings. And when a procession appeared in the street with the young boys carrying placards and huge colored portraits of her husband, she resolved to go out of town for a while. But it was a desperate and unpractical resolve. Now the picture had arrived. Her husband was going to speak, move and sing for at least 6 hours a day in the theater 3 streets off. Shambhu was as delighted as if his father had come back to life. Mother, won't you also come and see the picture? No. Please, you must come. She had to explain to him how utterly impossible it would be for her to see the picture. The boy had sort of a ruthless logic. Why should it be impossible? Aren't you seeing his photos, even that big photo on the wall every day? But these photos do not talk, move or sing. And yet you prefer them to the picture which has life. This is the conversation between Shambhu and his mother. तो स्टोरी का आगाज जो है, स्टोरी का आगाज इस चीज से होता है. शंभू जो है अपनी माँ से डिमांड करता है. शंभू डिमांड, यू मस्ट गिव मी 4 anas टू सी द फिल्म टुमारो. अगले दिन ये फिल्म जो है रिलीज होने वाली है थिएटर में. तो शंभू अपनी माँ से मुतालबा करता है कि मुझे आप 4 आने दे दो, क्योंकि 4 आने की टिकट थी फिल्म देखने के लिए. हिज मदर वॉज हॉरिफाइड, क्योंकि उसकी माँ खौफजदा थी. खौफजदा क्यों थी? क्योंकि ये एक वही औरत जानती है जिसका जो खामद है वो मर गया हो, और उसकी फीलिंग्स तो वो कोई और दूसरा कोई नहीं समझ सकता है, वो तो वही समझ सकती है क्योंकि वो खौफजदा थी. यहाँ पर वर्ड जो न्यू वर्ड आपका आ गया हॉरिफाइड. हॉरिफाइड मीन्स खौफजदा. ये खौफजदा थी. किस वजह से खौफजदा थी? क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मतलब लोग जो है या वो खुद इस चीज को देखेंगे. जो उसका जो खामद था मर गया था, अब ये देवा थी तो विडो, तो इसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपने खामद को दोबारा से स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर देखे, घूमना फिरना, उसका चलना, गाना बजाना.
हाउ कुड दिस बॉय, तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये लड़का जो है ये अपने इस बाप को देख सके. She had been fretting for 6 months past the arrival of the film. तो ये इसको क्या था, ये इसको ये बिल्कुल खौफ था, ये फिल्म के 6 महीने आने के बाद इसको ये खौफ था, रिलीज होने के बाद इसको ये खौफ था कि हाउ कुड पीपल बी टू सी हिम ऑन द स्क्रीन व्हेन दे न्यू ही वाज नो मोर, कि लोग इसको कैसे देखें, लोग इसको कैसे देखें जबकि वो जानते थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है. She had a wag. यहां पर एक और नया वर्ड आ गया है. तो ये जो wag है, wag का मतलब है धुंधली सी. थोड़ी सी या जिसको हम बोले, She had a vague hope that, थोड़ी सी उम्मीद इसको थी कि प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर्स माइट नॉट रिलीज द पिक्चर आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हर फीलिंग्स, जो इसके जज्बात फीलिंग्स, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स इसके जज्बात की कदर करके इस फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे. एंड व्हेन अ प्रोसेशन अपीयर्ड इन द स्ट्रीट विद अ यंग बॉयज कैरिंग प्लेकार्ड्स एंड ह्यूज कलर्ड पोर्ट्रेट्स ऑफ हर हस्बैंड, तो जब गली में यह जो है एक प्रोसेशन, एक ये मान लीजिए आप एक जुलूस जैसा था, लोग कुछ लोगों ने प्लेकार्ड्स हाथों में रखे थे, जो ये आप आजकल तो यहाँ सिनेमा नहीं है लेकिन जब सिनेमा में फिल्म लगती थी तो पहले लोग इसके एडवर्टाइज के लिए एक प्रोसेशन में निकलते थे तो और इस फिल्म का एडवर्टाइज करते थे, तो इसी तरीके से यहाँ कुछ लोगों ने प्लेकार्ड्स वगैरह भी हाथ में लिए थे. She resolved to go out of the town for a while, but it was desperate and unpractical resolve. तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा चलो अगर अब ये हो गया है तो मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं इस चीज को क्या करूं, मैं ये करूंगी कि मैं इस शहर से कुछ दूर फिलहाल इस शहर से निकल जाऊंगी कुछ देर के लिए. मगर ये क्या था, दिस वॉज अनप्रैक्टिकल रिजॉल्व. अनप्रैक्टिकल रिजॉल्व जो होता है ये तो अनप्रैक्टिकल इसको बोलते हैं बिना सोचे समझे, अनप्रैक्टिकल बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे वाला ये इरादा इसका था या ये कदम हम जिसको बोलते हैं. Now the picture had arrived. Her husband was going to speak. अब जो पिक्चर आ गई थी उसका हस्बैंड जो था, अगर दो शो थे 3-3 घंटे का 6 घंटे, तो उसका जो हस्बैंड था he was going to speak, move and sing for at least 6 hours a day. एक दिन में 6 घंटे उसको ये देख सकते थे लोग नाचते हुए, गाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, बातें करते हुए. In the theater, 3 streets off. 3 गली छोड़कर ये जो थिएटर वहां पर था, 3 गली को इसके मकान से 3 गली छोड़कर ये थिएटर था. Shambhu was delighted as if his father had come back to life. Shambhu was delighted. Delighted होता है खुश. Shambhu जो है खुश था कि उसका बाप, जैसे उसके बाप ने फिर से जन्म लिया है, जैसा उसका बाप फिर से लाइफ में आ रहा है. मदर वॉन्ट यू ऑल्सो कम टू सी द पिक्चर, जो अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या आप भी आएंगे इस पिक्चर को देखने के लिए. माँ कहती है नो, प्लीज यू मस्ट कम. तो ये इसरार करता है प्लीज मेहरबानी करके आप भी आइए. शी हैड टू एक्सप्लेन हिम हाउ अटरली इम्पॉसिबल इट वुड बी फॉर हर टू सी द पिक्चर. तो ये बेचारी को बहुत ही ये क्या क्या एक्सप्लेन करना था इसको, अटली इम्पॉसिबल फॉर हर, ये बिल्कुल जिसको हम बिल्कुल अटली इम्पॉसिबल को बिल्कुल नामुमकिन, अटली इम्पॉसिबल. अटली इम्पॉसिबल का मतलब है बिल्कुल से नामुमकिन, इसके लिए
बिल्कुल नामुमकिन था ये, बिल्कुल नामुमकिन था ये कि ये वो ये पिक्चर देख सकती थी। द बॉय हैड अ सॉर्ट ऑफ रथलेस लॉजिक, तो उसके उसका जो ये जो लड़का था उसको ये मान लीजिए कि रथलेस लॉजिक मीन्स होता है एक वो लहजा जिसमें कोई वजह हो, ये यानी वो सख्त लहजे में उसने ये बात की। Why should it be impossible? Aren't you seeing the photos, even the dead photo on the wall every day? तो आप क्यों नहीं आ सकते, क्यों आपके लिए नामुमकिन? क्या आप उन उसके फोटो को नहीं देखते हैं? क्या उस बड़े से उस पोर्ट्रेट को नहीं देखते हैं जो इस पर दीवार पर है? But these photos do not talk, moving. तो माँ कहती है अरे भाई ये जो फोटो है ये न बात कर सकते हैं, नहीं गाना गा सकते हैं, नहीं मुंह कर सकते हैं। And yet you prefer them to the picture which has life. तो चंबु क्या था है? तो आप इसको इनको प्रेफर करते हो आप उस चीज से, उस पिक्चर से जिसमें लाइफ है, जिसमें आप अपने बाप को देख सकते हैं, जिसमें आप अपने हस्बैंड को देख सकते हैं, तो उसमें इस चीज को आप प्रेफर करते हैं। तो यहां तक हमने ये दो पैराग्राफ पढ़े, तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।